तो दोस्तों एक नए वीडियो में स्वागत है स्टडी एक्सपर्ट डिफेंस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस बार जो है 10वीं और 12वीं की परीक्षा में आप सम्मिलित होने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो है मैं आपको बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई जो है कुछ भी अपडेट जारी कर दिया गया है एग्जामिनेशन को लेकर के। तो मैं इस वीडियो में जो आपका पूरा जानकारी जो है बताने वाला हूँ कि क्या कुछ जो है बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के जो है क्या कुछ अपडेट जारी किया गया है। तो दोस्तों वीडियो जो अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आइए आज की इस कमाल की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सिंपली दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 पूरी रखे, एग्जाम की तैयारी जल्द घोषित हो सकती है बोर्ड परीक्षा की डेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जो है अगर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 10वीं और 12वीं के छात्र हैं तो दोस्तों अपनी तैयारी जो है पूरी तरीके से पूरी रखें, क्योंकि जल्द ही जो है आपका टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम डेट बोर्ड पहले ही कोरोना के चलते हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए जो है सिलेबस 30% तक कम कर चुका है। जो छात्र परीक्षा शामिल होने वाले हैं वे केवल घटे हुए सिलेबस के आधार पर जो अपनी तैयारी रखते हैं। यहाँ पे साफ तौर पे जो है यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की यूपी बोर्ड की तरफ से जो यहाँ पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो भी जो है सिलेबस घटाया गया है उस सिलेबस को छोड़ करके जो है बाकी जो भी आपके 70% सिलेबस है उसकी जो है पूरी तैयारी जो है बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि छात्र रखें, क्योंकि जो है जल्दी आपका जो है यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल जो है अभी जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आपको जो है का बहुत बड़ी अपडेट जो है सामने निकल के आ रही है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई जो है ये बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। तो इसको लेकर के जो है छात्रों के लिए जो है ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जो है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन को जुड़ी हुई। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के, यहाँ पे जो है डेट को लेकर के आपकी जो है जल्दी जो है एग्जामिनेशन की तिथि जो है घोषित किया जा सकता है। तो ये यूपी बोर्ड की से जुड़ी हुई जो है कुछ भी अपडेट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगभग जो है 56 लाख स्टूडेंट परीक्षा में जो है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है शामिल होने वाले हैं। यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं लगभग जो है 56 लाख स्टूडेंट जो इस परीक्षा में देने वाले हैं। घर से घटित सिलेबस पर ऑफलाइन आयोजित होगी परीक्षा। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो परीक्षा जो है आपका ऑफलाइन ही आयोजित होगी। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं 2021 डेट, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के डेट की घोषणा अगले सप्ताह होने की संभावना है। यहाँ पर साफ तौर पर शिक्षा मंत्री 20 मई के बाद जो है बोर्ड परीक्षा पर कोई फैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर आपको बता दूं कि आपका जो है जल्दी जो है टाइम टेबल जो है जारी कर दिया जाएगा यूपी बोर्ड परीक्षा का। यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा पहले स्थगित की जा चुकी है और महामारी की स्थिति को बजट रखते हुए एग्जाम डेट पर फैसला लिया जा सकता है। तो यहाँ पे साफ तौर पर मैं आपको बता दूँ कि यूपी बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जो जल्दी जारी किया जा सकता है, ये जो है बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच सके।